हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से, हाल ही देश में किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 28 जनवरी, बी 29 जनवरी, सी 30 जनवरी, डी 1 फरवरी। और इसका सही जवाब है 30 जनवरी। 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। इस दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री गांधी जी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है, उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली? हमारे ऑप्शन है ए राजीव नयन चौबे, बी भारत भूषण व्यास, सी अरविंद सक्सेना, डी ऋषि कुमार शुक्ला। और इसका सही जवाब है राजीव नयन चौबे। हाल ही में राजीव नयन चौबे ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। वे तमिलनाडु कैडर के 1981 बैच के IAS ऑफिसर हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। यदि UPSC के चेयरमैन का पद खाली है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किसी UPSC सदस्य द्वारा यह कार्यभार संभाला जा सकता है। UPSC वह संवैधानिक निकाय है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय विदेश सेवा IFS और भारतीय पुलिस सेवा IPS और अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन, CBI का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन से ए ऋषि कुमार शुक्ला, बी एम नागेश्वर राव, सी भारत भूषण व्यास, डी अरविंद सक्सेना। और इसका सही जवाब है ऋषि कुमार शुक्ला। मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1983 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर हैं। उनका 3 सदस्यीय पैनल द्वारा किया गया है और इस पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई शामिल थे। ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। उन पर CBI की छवि को सुधारने की जिम्मेदारी भी होगी और पिछले कुछ समय में विवाद के चलते CBI की छवि काफ़ी प्रभावित हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन से ए 2 फरवरी, बी 5 फरवरी, सी 7 जनवरी, डी 10 जनवरी। और इसका सही जवाब है 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम आर्द्र भूमि व जलवायु परिवर्तन है। इस थीम का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल और मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व की 90% आपदाएँ जल से संबंधित होती हैं तथा यह तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 60% लोगों को बाढ़ अथवा सुनामी से प्रभावित करती हैं। आर्द्र भूमि एक प्राकृतिक व कुशल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। जैसे दलदली कई भूमि के केवल 3% हिस्से पर फैली हुई है, परंतु यह विश्व भर सभी वनों के मुकाबले दोगुनी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। आर्द्र भूमि जलवायु संबंधी आपदाओं के विरुद्ध बफर के रूप में कार्य करती है। इससे जलवायु परिवर्तन के आकस्मिक प्रभावों से बचा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, पहली फ्यूचर ऑफ द रेल रिपोर्ट को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तैयार किया है? हमारे ऑप्शन से ए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी विश्व व्यापार संगठन, डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने फ्यूचर ऑफ द रेल नामक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भारत पर विशेष फोकस किया गया है। भारत में 2000 से अब तक रेलवे ट्रैफिक में लगभग 200% की वृद्धि हुई है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक वैश्विक रेलवे गतिविधि में भारतीय रेलवे का योगदान लगभग 40% होगा। 2050 तक भारतीय रेल की शहरी अधोसंरचना में 190 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार रेलवे सेक्टर विश्व के 8% यात्रियों का परिवहन करता है। यूरोप, जापान और रूस में रेलवे का विद्युतीकरण काफ़ी अधिक हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन, एरो इंडिया के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बेंगलुरु, डी पंजाब, और इसका सही जवाब है बेंगलुरु। एरो इंडिया के 12वें संस्करण का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में 20 से 24 फरवरी 2019 के बीच किया जाएगा। इस 5 दिवसीय इवेंट में एरोस्पेस उद्योग और रक्षा उद्योग द्वारा व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। इस इवेंट में विश्व भर के बड़े रक्षा उद्योग के निवेशक भी हिस्सा लेंगे। इस इवेंट में सूचना, विचारों तथा रक्षा एवं एरोस्पेस उद्योग की नई गतिविधियों से संबंधित सूचना का आदान प्रदान भी किया जाएगा। इससे सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2019 का पार्टनर राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक, और इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन प्रतिवर्ष सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र उद्योग, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष सूरज कुंड मेले का थीम राज्य महाराष्ट्र है, जबकि पार्टनर देश थाईलैंड है। और सूरज कुंड मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है वो पीछे छूट रहे अथवा ऐसे शिल्प को लोगों के सामने लाना है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, ठीक है। इसमें हस्तशिल्प सामानों के निर्यात को भी बढ़ावा देंगे और ग्रामीण शिल्प परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। थीम स्टेट का चुनाव प्रतिवर्ष देश के प्रत्येक राज्य की कला, भोजन व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई है? हमारे ऑप्शन से ए स्मृति मंधाना, बी मिताली राज, सी सना मीर, डी इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब है सना मीर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली महिला एशियाई क्रिकेटर बनी। यह उपलब्धि उन्होंने कराची में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध खेले गए अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के दौरान प्राप्त की। सना मीर विश्व में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली विश्व की 6वीं महिला क्रिकेटर है, और जिस सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने के मामले में वेस्टइंडीज़ की डायंड्रा डॉटिन के नाम है। वे अब तक 109 मैच खेल चुकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? हमारे ऑप्शन से ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी पंजाब, और इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब ने हाल ही में विलुप्त प्राय सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। यह निर्णय हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव की बैठक में लिया गया। सिंधु नदी डॉल्फिन एक विलुप्त प्राय प्राणी है। यह केवल भारत और पाकिस्तान में व्यास नदी में पाई जाती है। इसका रंग भूरा या फिर धूसर होता है। यह डॉल्फिन दृष्टिबाधित होती है। इस डॉल्फिन का जीवन काल लगभग 30 वर्ष का होता है। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन बने? हमारे ऑप्शन से ए नीलांबर आचार्य, बी दीप कुमार उपाध्याय, सी अजय बिसारिया, डी इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब है नीलांबर आचार्य। नीलांबर आचार्य भारत में नेपाल के नए राजदूत बने। इससे पहले वे नेपाल के कानून मंत्री रह चुके हैं। उन्हें नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।
नेपाल के नए प्रावधान के तहत नीलांबर आचार्य राष्ट्रपति के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ लेने वाले पहले राजदूत हैं। इससे पहले नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा राजदूत को शपथ दिलाई जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय के लिए के वीर मणि पुरस्कार 2018 किसने जीता? हमारे ऑप्शन से ए पीएस कृष्णन, बी नितेश कुमार, सी वी हनुमंत राव, डी सीताराम केसरी। और इसका सही जवाब है पीएस कृष्णन। भारत सरकार के पूर्व सचिव पीएस कृष्णन को सामाजिक न्याय के लिए के वीर मणि पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान पिछड़े हुए समुदायों के लिए कार्य करने के लिए दिया गया। यह सम्मान पेरियार इंटरनेशनल इंक द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार के तहत 1,00,000 रुपये और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज है, प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले पर भारतीय डाक विभाग ने कितने रुपए का एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया है? हमारे ऑप्शन से ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।